नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, आप सभी जानते हैं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे और चुनाव 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलने वाला है, फिर 10 तारीख को 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार चतुर्कोणीय नहीं बल्कि आपके ये बाईपोलर इलेक्शन की संभावना ही पूरी दिख रही है। अब तक जब चुनाव सिर पर है तब तक भी, क्योंकि सपा और भाजपा ये दो पार्टियां ही हैं जो आमने सामने हैं, बिल्कुल सीधी लड़ाई इन दोनों के बीच में है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ये जो चुनाव होने वाला है एक हिंदुत्व की लेबोरेटरी के रूप में देखा जा सकता है इसको, क्योंकि ये जो चुनाव है ये तय करेगा कि हिंदुत्व की धारा कितनी मजबूत है। हिंदुत्व के नाम पर जो चुनाव जीतने लड़ने का भाजपा दावा लगातार करती आ रही है, कई राज्यों में उसके परिणाम भी आए हैं, भाजपा ने जीत भी दर्ज किया है और एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, वो भाजपा क्या उत्तर प्रदेश में ये जो एक टेस्ट है भाजपा का हिंदुत्व की लेबोरेटरी के रूप में, जहां उत्तर प्रदेश अभी देखा जा रहा है वहां पर भाजपा के परिणाम क्या आएंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश का अगर आप इतिहास देखें तो एक लंबे अरसे से देखा जाए 85 के बाद से कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना है जो दोबारा एक के बाद एक जीत दर्ज करके सत्ता पर कुर्सी पर काबिज हो जाए। आप इतिहास देखें, उत्तर प्रदेश का इतिहास अगर हम 1989 से शुरू करें तो अब तक रहा है कि एक मुख्यमंत्री दोबारा एक के बाद एक जीत दर्ज करके नहीं आता है। तो आप एक बार पहले इस इतिहास पर नजर डालिए, फिर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हिंदुत्व की लेबोरेटरी के रूप में उत्तर प्रदेश को कैसे स्थापित करने की कोशिश कर रही है। साल 1989 में मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद 1991-92 में कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। इसके बाद 1993 से 95 तक दोबारा मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, लेकिन वो ज्यादा दिन सीएम पद पर नहीं रह सके और 1995 में ही मायावती पहली बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। 1996 में यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद 1997 में मायावती दोबारा सीएम बनी, लेकिन वह कुर्सी पर टिक नहीं सकी और 1997 से लेकर 99 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। इसके बाद 1999 से 2000 तक में राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने। साल 2000 से 2002 में राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। कुछ समय बाद ही 2002 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। साल 2002 से 3 में यूपी सीएम की कुर्सी मायावती के पास चली गई। 2003 से 7 तक मुलायम सिंह यादव ने सीएम पद संभाला और 2007 में मायावती ने बड़ा खेल कर दिया और पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सत्ता वापसी की। मायावती 2012 यूपी विधानसभा चुनाव हार गई और इस बार मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश के सिर पर सीएम का ताज पहनाया, लेकिन अगले चुनाव में वह जीत नहीं सके और 2017 का चुनाव वो हार गए। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 2022 में अब चुनाव होने हैं। इस बार उनका क्या होगा? लगातार दूसरी बार सीएम बन पाने में कामयाब हो सकेंगे? क्या इस बार वो रिकॉर्ड टूट जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। योगी आदित्यनाथ के लिए ये जो हमेशा से एक उत्तर प्रदेश का रुझान रहा है ये बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि क्या वो दोबारा जीत कर आएंगे। वैसे अब तक भाजपा का जो इतिहास देखें बीते कुछ सालों से 2014 में मोदी लहर के बाद से अगर देखें तो 2017 में चुनाव जीतना भाजपा के लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि उस समय बिल्कुल मोदी की प्रचंड लहर थी, हर तरफ देखी जा रही थी। और 2019 का चुनाव भी जो परिणाम लेकर आया वो भी दिलचस्प रहा, जबकि राज्य की दो पार्टियां, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, जब राज्य की दो सबसे बड़ी पार्टियां सपा बसपा गठबंधन करके आई, उसके बावजूद भाजपा जो परिणाम लेकर आई वो बहुत ही ज्यादा दमदार था। तो ऐसे में 62 सीटें जीत कर भाजपा ने सारे अनुमान को, 80 लोकसभा सीटें वहां से आती हैं और 62 सीटें जीत कर भाजपा ने
उस समय जो भी अनुमान लगाए गए थे कि अगर सपा और बसपा का गठबंधन हो जाएगा तो एक मजबूत गठबंधन है, भाजपा को टक्कर देगा, विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने बहुत ही करारी हार दी सपा और बसपा को और प्रचंड बहुमत से जीतकर भाजपा वहां से निकली। लेकिन अब जो राह है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, वो भाजपा के लिए आप कहिए आसान राह नहीं है, क्योंकि लगातार जो पार्टी के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, खुद के विधायक, खुद के कार्यकर्ता जो नाखुश दिख रहे हैं लंबे समय से, उसके बाद एक के बाद एक ये बातें भी सामने आ रही है कि शायद अब योगी आदित्यनाथ जो हैं, जबकि अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी सब कह चुके हैं कि चुनाव जो होगा वो एक तरह से आप मानिए केंद्रीय नेतृत्व तो ये कह चुका है कि चुनाव जो होगा योगी के चेहरे पर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आवाजें लगातार उठ रही हैं कि योगी नहीं बल्कि अरविंद शर्मा के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और ऐसी बातें, इस तरह के जो बयान है इस मामले पर, वो भाजपा के नेता भी दे रहे हैं रह रहकर। जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब योगी वो चेहरा नहीं रह गए हैं, एक ये भी बात है। दूसरी, मैं चाहूंगी कि आप देखें कि हालांकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 350 सीटें, 403 में से 350 सीटें भाजपा जीत कर आएगी, जिसकी उम्मीद कम ही लगती है। भाजपा हो सकता है जीत दर्ज करे, लेकिन भाजपा की जो स्थिति राज्य में डवाडोल हुई है उसके बाद ये 350 का दावा जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर, लेकिन जनता की आंखों में एक हद तक धूल झोंका जा सकता है। तो अब शायद जनता भी बहुत ही ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं, बहुत ही ज्यादा निराश लग रही है, और जिससे भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है। आदित्यनाथ पूरा दम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो जीत कर आएंगे, इतनी ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसके हिसाब से भाजपा जीत दर्ज भले ही कर ले, क्योंकि अभी भी जो चुनाव का की तारीखों का जो ऐलान हुआ है उसमें अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि 13 बड़ी रैलियां जो है इलेक्शन कमीशन की पाबंदी लगने से पहले नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। राज्य के तमाम जगहों पर जाकर परियोजनाओं का उद्घाटन कर चुके हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ एक मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के साथ, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हो जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता है, चाहे जिसके कारण किसान की नाराजगी है, और तमाम अन्य मुद्दे हैं जैसे कोरोना के काल में बद इंतजामी, या फिर अभी भी आप देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव में बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश। तो ये तमाम ऐसे राज्य के स्तर पर मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे आप तमाम अन्य मुद्दे हो, जिन पर जनता जो है निराश नजर आ रही है। लेकिन भाजपा की कोशिश लगातार है कि हिंदुत्व के नारे को बुलंद किया जाए। वो कैसे, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जो रैलियां, तमाम रैलियां की हैं, प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह, जो चाणक्य माने जाते हैं, ये सब जो है एक के बाद एक रैलियां करके, और देखिए किस तरह हिंदुत्व के पिच पर ये इस चुनाव को खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हर व्यक्ति जानता है, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। ये सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं, यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। इस समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी,
कार सेवकों पर डंडे चलाए थे या नहीं चलाए थे, जो मंदिर बनने देना नहीं चाहते हैं। अखिलेश बाबू, जितना दम हो रोक कर देखो, मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है, देखते देखते अयोध्या में रामलला का गगनचुंबी मंदिर बनने जाने वाला है, आप नहीं रोक सकते। मैंने कहा गन्ना हमारा है, चिन्ना उनका है, ये चिन्ह को निकालना तुम्हारा काम है, बोतल के अंदर डालना आपका काम है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। हम गन्ना पर भी चुनाव लड़के जीतेंगे और हम जिन्ना वाली मानसिकता का भी पर्दाफाश करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे, यह भी हम आपको बताना चाहेंगे। निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? तो देखा आपने कि पीएम मोदी की जो रैली है उसमें लगातार हिंदुत्व की बात की जा रही है। हालांकि ये हिंदुत्व की जो बात है वो उसका असर दूसरे पार्टियों पर भी पड़ा है। राहुल गांधी हो, उन्होंने एक बार हिंदुत्व और हिंदू का राग छेड़ा, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा उस पर चुप्पी लगा गए हैं और बहुत जम राहुल गांधी तो अब तक वहां पर रैली नहीं कर पाए, लेकिन प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के को लेकर तमाम कार्यक्रम कर रही थी और करना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह से वो अभी स्टेट को कवर नहीं कर पाई हैं। लेकिन जिस तरह से सैलाब उमड़ा है लोगों का जनसभाओं में, अखिलेश यादव के जनसभाओं में, उसके बाद से अखिलेश यादव की दावेदारी जो है सबसे मजबूत वहां पर देखने को मिल रही है। तो हिंदुत्व के पिच पर जिस तरह से भाजपा ये चुनाव जीतना चाह रही है, यहाँ एक कहीं ये कोशिश पहले भी भाजपा हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रही है, लेकिन ये जो है ये तय करेगा आगामी जो चुनाव है कि भाजपा आने वाले समय में आखिर हिंदुत्व किनारे के साथ चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। क्योंकि आप देखिए राम लला का मंदिर जो बनना था उसका शिलान्यास तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब रामलला के बाद वो मथुरा और काशी तमाम अन्य धार्मिक स्थानों पर भाजपा अपना रुख मोड़ रही है, अब कृष्ण की बात करने लगी है। तो भाजपा को चाहिए एक मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो हमेशा हिंदुओं को लुभाता रहे, हिंदुओं के जज्बातों को किसी ना किसी तरह से वो इंजेक्ट करता रहे, उसको उसके जज्बात को उसके साथ खेलता रहे। तो उस लिहाज से भाजपा के लिए जो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है एक लेबोरेटरी की तरह है कि भाजपा की आगे की दिशा और दशा तय करने के लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो 1985 के बाद से एक सीएम दोबारा नहीं लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आते हैं, इस मिथक को लेकर योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि मैं कम बैक करूंगा, मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। पिछले 37 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी नेता लगातार दो बार सीएम पद पर नहीं रह सका है और मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हूँ, तो ये दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की बात, योगी आदित्यनाथ से उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता और खुद नेता लोग नाराज हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा के चाणक्य हैं अपना गेम खेल गए हैं। वो अरविंद शर्मा को लाना चाहते थे, पहले से ही लाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह अरविंद शर्मा को जब उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया जाना था तो केशव मौर्य हो या तमाम और लोग हों, वो तो मिल लिए अरविंद शर्मा से, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाराजगी दिखाई और जैसे कि वो एकदम समझ वो जानते थे। सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि योगी आदित्यनाथ को हमेशा ये लग रहा था कि वो मोदी के कद के बराबर के नेता बन चुके हैं और प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार वही हैं और अमित शाह कहीं नहीं है, और ये बात अमित शाह को भी खली होगी क्योंकि अमित शाह लगातार जो आप कहिए मोदी का साथ निभाते आए हैं और लगातार
भाजपा को इतनी मजबूती तक उन्होंने पहुंचाया है। उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ खुद को अगला प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट समझने लगे तो ये बात भाजपा के चाणक्य को कभी सूट नहीं करेगी। तो इस तरह आप देखिए अभी योगी को किसी ना किसी तरह से उनका किनारा लगाया जा रहा है उनको, हालांकि कैसे ये जनता के सामने ये बात को एक्सेप्ट किया जाए कि अब योगी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो अरविंद शर्मा को स्टेट लेवल पर लाया गया और अरविंद शर्मा जो राज्य स्तर पर लोगों से मिलना, संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करना और लोगों की समस्याएं, उनकी निराशा, किस तरह चुनाव में दांव पेच खेल सकते हैं या किस तरह लोगों की जो समस्याएं हैं उनको नहीं सुनी गई, ये तमाम रिपोर्ट बनाकर सीधे प्रधानमंत्री को देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अहम पद पर आ गए हैं अरविंद शर्मा और ये लगने लगा है कि अरविंद शर्मा अब जो लोग योगी आदित्यनाथ के पास काम करवाने के लिए जाते थे वो अब अरविंद शर्मा के पास जाते हैं। और कई लोगों की ये शिकायतें भी है कि योगी सरकार में तो हमारा कोई काम हो नहीं सका, योगी आदित्यनाथ किसी की सुनने को तैयार नहीं होते क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे। तो अरविंद शर्मा एक विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ जो है अब अगला सीएम चेहरा नहीं होंगे, एक तो ये बात, और दूसरी बात कि जो भाजपा के लिए चाहे वो अरविंद शर्मा हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, भाजपा के लिए सबसे जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते और उसके लिए अरविंद शर्मा को आगे पुश किया गया है। अरविंद शर्मा को आगे धीरे धीरे किसी ना किसी बहाने से आगे लाया जा रहा है ताकि एक उनका विकल्प तैयार हो सके और भाजपा के लिए आने वाली जो स्थितियां होंगी वह बाकी के जो राज्यों में चुनाव होने हैं, बाकी के राज्यों में किस दिशा में भाजपा चलेगी, ये सब उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी तय हो सकेगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। नमस्कार।